अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं कुकिंग विद फेरीनाज यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बच्चों के मनपसंद पोटैटो चिकन चीज़ी रोल। बनते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है, झटपट यूँ ही बन जाते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पोटैटो चिकन चीज़ी रोल बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, चिकन बॉईल लिया है यहाँ पे मैंने 1/2 कप, और इसे मैंने जो है श्रेडेड कर लिया है। और यहाँ पे हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, प्याज लिए यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की छोटी सी, और इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से। वाइट पेपर लिए यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून, नमक लिया यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च लिए यहाँ पर 4 अदद, और इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर चीज़ के मैंने बिल्कुल ये इस तरह के स्ट्रिप्स ली हैं, चीज़ की मैंने स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है। यहाँ पर हस्बे ज़रूरत या 8-9 ले लें, 9-10 भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे बॉयल आलू लिए हैं मैंने 4 अदद, 4 से 5 अदद बॉयल आलू आप ले सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लिए हैं यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत, और अंडे लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद, और इन दोनों अंडों को जो है मैं अच्छे तरीके से फेंक लूँगी। और ऑयल लिया है मैंने इन्हें फ्राई करने के लिए, और ऑयल को जो है मैंने फ्लेम पर रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे जो है गैस बहुत शॉर्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले ही से गरम करने के लिए रख दिया है। तो अंडे का जो बैटर है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसे। तो अंडे जो है हमारे अच्छे तरीके से बीट हो चुके, इसे साइड पे कर देंगे। तो चलिए जल्दी से झटपट अपने पोटैटो चिकन चीज़ी रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल, और इसके अंदर जो है मैं सारे आलू को जो है ग्रेट कर लूँगी, आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो आलू को जो है मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिकन, और अब ऐड करेंगे इसके अंदर हरा धनिया, प्याज चॉप की हुई, वाइट पेपर, और अब ऐड करेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई, और इसे जो है अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। आलू का जो बैटर है बिल्कुल अच्छे तरीके से सब मिक्स हो चुका है, और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल जो है हाथ पे लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से, और ये जो आलू का मिक्सर है बैटर है इसे हाथ पे लेंगे इस तरह से, और इसे जो है रोल की फॉर्म में इस तरह से करना है, सिलेंडर शेप में, और ये एक स्ट्रिप्स उठानी है यहाँ से इसकी चीज़ की, और इसे जो है इसके अंदर फिल करना है, और इसे इस तरह से अंदर कर देंगे पूरा, पैक कर देंगे इस तरह से। चीज़ को जो है पूरा जो हमने चीज़ स्लाइस डाला है इसके अंदर, इसे जो है पूरा अंदर कवर कर देंगे इस तरह से, पूरा रोल की शेप में देना है, बना बना के इसे जो है यहाँ पे मैं रखती जाऊँगी ट्रे में, और फिर से हाथ पे जो है ऑयल लगाएंगे, अपने हाथ की हथेली को जो है ग्रीस करना है ऑयल से। हाथ पे लेंगे आलू का बैटर, इसे फिर से इसी तरह इसके अंदर चीज़ रखेंगे, आप कोई सा भी चीज़ ले लें, चैटर ले लें, चाहे मोज़रेला ले लें। तो ये देखें इस तरह से हमने इसे जो है बनाना है, इसे साइड पे रख दूंगी, और इसी तरह जो है मैं सारे बना लूंगी। तो सारे पोटैटो चिकन चीज़ी जो है ना हमारे रोल रेडी हो चुके हैं। अब इसे जो है सबसे पहले अंडे की कोटिंग करेंगे, फिर इसके बाद क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो एक रोल उठाएंगे एहतियात से, क्योंकि आलू जो है ना नरम होते हैं, और इसे कर देंगे अंडे के अंदर कोट। तो इसे जो है ना अंडे से मैंने कोट कर दिया है, और अब इसे एहतियात से ही उठाएंगे और इसे जो है क्रम्स में डालेंगे, और सूखा वाला जो हाथ है हमारा, ड्राई अंडे वाला हाथ मेरा ये रहा, और ये मेरा ड्राई हैंड है,
और इससे जो है ना इसे पूरा कोट कर देंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से इसे कोट करेंगे। तो ये जो है इस तरह से पूरा क्रम्स में मैंने कर लिया है, इसे साइड पे रख देंगे। और इसी तरह जो है मैं ये सारे कर लूंगी। रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, चिकन पोटैटो चीजी रोल, और इसे सेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटा डीप फ्रीजर में। तो ये आधा घंटा जो है फ्रिज में सेट हो चुके हैं, और अभी से जो है डीप फ्राई कर लेंगे और गरम गरम ऑयल के अंदर। ऑयल हमारा जो अच्छे तरीके से गरम हो चुका है, और अब हम एक एक रोल को जो है इसके अंदर डाल देंगे। अब हल्के हल्के हाथ से जो है जो मैंने पहले डाला है उसे मैं पलट दूंगी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। तो इसे जो है मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई किया है। बस हमारा तेल जो है अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। ये हमारा फ्राई हो चुका है पहला रोल, तो इसे मैं निकाल लूंगी इसके अंदर। ये भी रेडी हो चुका है, इसे भी निकाल लूंगी। तो इसी तरह जो है मैं सारे रोल अपने फ्राई कर लूंगी। तो तैयार है यहाँ पे हमारे मज़ेदार से चिकन पोटैटो चीज़ी रोल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं। और इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी चीज़ कितना है इसके अंदर और किस तरह से निकल रहा है। तो ये देखें इसके अंदर चीज़ कितना सारा है और कितना मज़े का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर इस रमज़ान जो है ट्राई कीजिएगा। अगर आप सबको मज़ेदार से चिकन पोटैटो चीज़ी रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं इसी तरह से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मज़ेदार सी रंगारंग रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।